अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? यस, यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड फ्रेश एज ऑलवेज। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, बताइए भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम? रिवीजन चल रहा है हमारा, रिवीजन कर रहे हैं हम, और हमारा चल रहा था तभी चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन, जिसमें हिडन थिंग्स को हमने रिवाइज किया है, अच्छे से समझा है, पढ़ा है, और अब हम कर रहे हैं रिवीजन अपना चैप्टर नंबर 7 का। जी जनाब, चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे ताकि हमें 7 चैप्टर का भी अच्छे से पता चल जाए, रिवीजन हमारा हो जाए। न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अपने रिवीजन के बाद, क्योंकि रिवीजन भी कंप्लीट करना है और साथ साथ हमने न्यू चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। तो जनाब, निकाल लीजिए अपनी किताब, ओपन योर बुक, पेज नंबर 43 और 44। न्यू चैप्टर हमारा, यानी कि जो हम रिवीजन में लेके जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, पुश एंड पुल। हमने ये चैप्टर रीड किया था, पढ़ा था, तो समझते हैं कि आज हम इस चैप्टर को दोबारा से रीड करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, ताकि हम इसकी एक्सरसाइजेस को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, रिवाइज कर सकें, हमें समझ में आ जाए जो चीज़ें स्किप हो गई हैं, जो चीज़ें हम भूल गए हैं, उसे अच्छे से याद करें, थॉरली पढ़ लें इस चैप्टर को, और फिर इसकी सारी एक्सरसाइज को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है जनाब, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, के हमारा चैप्टर था क्या। चैप्टर में हमने पढ़ा था पुश एंड पुल के बारे में। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें साइकिल रखी है, साइकिल को बच्चा जो है पुल कर रहा है, एक पिक्चर में वो पुश कर रहा है, एक में स्विंग मौजूद है। स्विंग किस तरह से मूव करती है, बाय पुशिंग, बाय पुलिंग, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, हमने पुश एंड पुल के बारे में पढ़ा था, और हमें पता चला था कि किस तरह से चीज़ें मूव करती हैं, है ना, बाय पुशिंग और बाय पुलिंग। तो जनाब, करते हैं स्टोरी, पढ़ते हैं इसकी और समझते हैं कि क्या है चैप्टर। Push and pull. Roa did not know how to pedal her tricycle. Her elder brother Ali had an idea. He tied a rope and pulled it. Roa enjoyed, but it stopped. जी जनाब, बताइए क्या हुआ था भाई, रोहा को क्या नहीं आती थी, साइकिल चलाना नहीं आती थी, कि किस तरह से पैडल चलाए जाते हैं ट्राई साइकिल के, तो उसे ये नहीं पता था कि किस तरह से चलाई जाए, क्योंकि वो छोटी सी थी। उसके बड़े ब्रदर ने, उसके एल्डर ब्रदर अली के पास एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि एक क्या चीज़ ली थी, रोप ली थी, रस्सी ली थी, जो उसने उस ट्राई साइकिल से बांध दी थी, और उसको उसने पुश किया। जिस तरह से ट्राई साइकिल को पुश करता रहा, पुश करता रहा, पुश करता रहा, तो साइकिल चलती रही और रोहा इसको इन्जॉय करती रही, बट इट स्टॉप, क्योंकि जब वो खींचना बंद कर देता था, उसकी पुलिंग ख़त्म कर देता था, पुल नहीं करता था रोप को, तो साइकिल, ट्राई साइकिल स्टॉप हो जाती थी। रोहाज एल्डर सिस्टर सना केम टू हर, शी पुल्ड द ट्राई साइकिल, It started moving. Sana got tired. She stopped pushing the tricycle. The tricycle stopped moving. Roha started crying and got off the tricycle. अब क्या हुआ? जब रोहा उसके जो बड़े भाई थे अली साहब, उन्होंने जो है वो पुलिंग करना छोड़ दी थी, उन्होंने रोप को जो है पुल नहीं किया, तो उसकी साइकिल, ट्राई साइकिल स्टॉप हो गई थी। अब वो उदास हो गई थी कि क्या करें भाई। तो उनकी बड़ी सिस्टर जो थी सना, जी सना जो थी, वो उनके हेल्प के लिए आई, और उन्होंने क्या किया कि ट्राई साइकिल को पुश करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसे धक्का देना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे उसको वो ट्राई साइकिल को पुश करती जाती, करती जाती, तो ट्राई साइकिल मूव होती जाती, और फिर दोबारा से रोहा को मज़ा आने लगा, वो इंजॉय करने लगी। लेकिन बहुत जल्द ही सना थक गई, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है। जब हम एनर्जी लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, तो फिर हम थक जाते हैं। जी जनाब, उसके बाद क्या हुआ, ट्राईसाइकिल जो स्टॉप हो गई, रोहा ने रोना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो ट्राईसाइकिल उसने छोड़ दिया, वो बाहर आ गई। देन रोहा सेट ऑन द स्विंग एंड आस्क सना एंड अली टू मूव इट। उसके बाद रोहा कहाँ गई भाई, रोहा साहिबा जो है स्विंग पे बैठ गई, उन्होंने कहा सना से और अली से कि अब इसको मूव करें, यानी कि झूला दें। अली पुल्ड एंड सना पुश्ड, अली पुल्ड
एंड साना पुश्ड अली पुल्ड एंड साना पुश्ड द स्विंग रोहा एंजॉयड द राइड अब स्विंग कैसे चल रहा था रोहा साहिबा तो छोटी सी थी उनसे तो स्विंग नहीं चलता तो उन्होंने क्या किया अपने ब्रदर की अपने सिस्टर की हेल्प मांगी तो जनाब क्या हुआ अली साहब जो हैं वो स्विंग को पुल करते और उसको छोड़ देते देन वहाँ से दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से सना जो उनकी एल्डर सिस्टर थी वो उसे पुश करती और इस तरह से रोहा साहिबा को मज़ा आने लगा और उनका स्विंग चल रहा था तो जनाब हमने ये देखा था कि बाय पुशिंग एंड बाय पुलिंग पुशिंग एंड पुलिंग चीज़ें मूव करती हैं इससे एनर्जी मिलती है यानी कि एनर्जी हम यूज़ करते हैं और बाय एनर्जी बाय फोर्स हम चीज़ों को पुल करते हैं और पुश करते हैं तो जनाब आपने क्या करना है अब इस वीडियो को बार बार देखेंगे अच्छे से देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और पुल और पुश के बारे में डिस्कस करेंगे किसके साथ में जी मम्मा बाबा के साथ डिस्कस करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करेंगे भाई वो तो नहीं भूल गए कि बाय पुशिंग बाय पुलिंग किस तरह से चीज़ें मूव की जाती हैं इस चीज़ को आप डिस्कस करेंगे एक्सप्लोर करेंगे इतनी सराउंडिंग में चीज़ें देखेंगे कि किस चीज़ को आप बाय पुलिंग और बाय पुशिंग जो है वो मूव कर सकते हैं तो जनाब यही बात बताएंगे आप अपनी टीचर को वॉइस नोट भेजिएगा कि हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है इसका रिविजन हमने कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइजेज भी हम आगे करेंगे कल हम मिलेंगे नए काम के साथ अल्लाह हाफिज़।